दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे भिंडी यानी ओकरा फार्मिंग के ऊपर हमारी यह वीडियो रहने वाली है। और काफ़ी दिनों से काफ़ी समय से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भिंडी की टॉप 5 वैरायटी के बारे में बतलाइए, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक जो कि सबसे अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है, एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका के नाम से आती है। और एडवांटा गोल्डन सीड्स की एक और वैरायटी आती है वीनस प्लस के नाम से। नंबर थ्री नामधारी NS 862 के नाम से आती है। नंबर चार नून हेम्स की वायर कंपनी की शिंगम के नाम से दोस्तों आती है। और नंबर फाइव इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 के नाम से आती है। और एक छठवें नंबर पर सिंजेंटा कंपनी की एक वैरायटी ली है OH 102 ओकरा के नाम से आती है। तो अब पांच छह वैरायटी हमने आपको बतलाई हैं, इनमें से सबसे टॉप क्वालिटी की वैरायटी कौन सी हैं आइए समझते हैं। तो एडवांटा गोल्डन सीड्स की राधिका सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है और नामधारी के साथ साथ इंडो अमेरिकन की इंडम 9821 और सिंजेंटा कंपनी की OH 102। लेकिन सबसे इन छह वैरायटी में सबसे ज़्यादा राधिका का ही उत्पादन है। बाकी आप दिसंबर जनवरी पर भी आप अंगेती भिंडी की खेती कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल आप बरसात पर जुलाई से अगस्त, गर्मियों पर फरवरी से मार्च पर खेती कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करें तो आपको 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। प्लांट डिस्टेंस पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फीट रखनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट। और ध्यान रखिए वेड विधि से खेती कर रहे हैं तो एक वेड पर दोस्तों आपको डबल लाइन पर जिग जैग आपको बुआई करनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो वैरायटी बतलाई है दोस्तों, इनका उत्पादन 65 से 70 क्विंटल मिनिमम उत्पादन होने वाला है फर्स्ट हार्वेस्टिंग। इन वैरायटी की चमक क्वालिटी और जो रंग है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित है और 50 से 60 दिनों के आसपास प्रथम तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। लाइफ साइकिल दोस्तों हमारे हाथों पर है कि कितने दिन किस्म को वैरायटी को चलाना है। बाकी आप आवश्यकता अनुसार यदि न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, स्प्रे रोग मुक्त कीट मुक्त फसल रखते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाएंगी। बाकी आप 5 से 6 महीने तक आप बड़े आराम से भिंडी की क्रॉप को दोस्तों चला सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों जो स्प्रे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि भिंडी की फसल पर स्टार्टिंग के दिनों पर यदि हम स्प्रे नहीं करेंगे तो कीट ग्रसित हमारी फसल हो जाएगी, जिससे पैदावार घट जाएगी। तो जो स्प्रे हैं, दो स्प्रे बतलाएंगे। फर्स्ट स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना है UPL कंपनी की लांसर गोल्ड इंसेक्टीसाइड, जिसमें एसीफेट और इमिडाक्लोरपेट का कॉम्बिनेशन 40 ग्राम लेना है। और M45 फंगीसाइड, जिसमें दोस्तों मैंकोजेब 75% है, 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे लगभग 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो सेकंड स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे पर वायर कंपनी की सोलेमान इंसेक्टिसाइड 10 ml लेना है और UPL की साफ, जिसमें कार्बेंडाजिम मैंकोजेब है, 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर की दर से स्प्रे आपको करना चाहिए। और जो भिंडी यानी ओकरा फार्मिंग पर दोस्तों जैसे वाइट फ्लाई है, सकिंग पेस्ट है, तो इसके लिए आप रोकथाम के लिए पीला और नीला ट्रैप, येलो ट्रैप, यदि आप जो येलो ट्रैप स्टिकी ट्रैप आते हैं उनको इंस्टॉल जरूर करना है। फसल से 2 फीट ऊंचाई पर आपको लगाना चाहिए, 1 एकड़ पर 20 फीस पर्याप्त हैं। तो भिंडी की खेती यदि आप दिसंबर जनवरी पर अंगेती भिंडी की खेती भी कर रहे हैं तो इन वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप दिसंबर जनवरी महीने पर दोस्तों यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो जो बाजार भाव हैं वो अन्य माह की तुलना पर काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ऊँचे भाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो हमारे किसान भाई भिंडी की खेती करके भी काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल